हेलो मिस्सी वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज के वीडियो लेक्चर पर हमने क्या बात करनी है तो देखिए हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट स्टार्ट की थी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स ओके? आज हमारा इसका टेंथ लेक्चर रहने वाला है और आज के टेंथ लेक्चर पे जो टॉपिक हमने पर्टिकुलरली डिस्कस करना है वो है आपका द इफेक्ट ऑफ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इफेक्ट ऑफ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग मतलब आप जितना भी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का पढ़ रहे हैं उसका इफेक्ट क्या है उसका यूज क्या है ओके बट उसका यूज उसके इफेक्ट एक्सप्लेन करने से पहले मेरे को जस्ट आपको थोड़ा सा स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को रिविजन में लेना पड़ेगा तो आज के लेक्चर पे हम दोनों चीजें कवर करते हुए चलेंगे स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है साथ ही साथ इसके इफेक्ट क्या है okay? ओके अब देखो ना अगर मैं आपको स्टार्ट कराऊं तो कुछ मैं ऐसे स्टार्ट कराती हूँ आपको तो देखिए आपने स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का कांसेप्ट बहुत बार पढ़ा हुआ है आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी पढ़ा है और हाल में मैंने आपको एटमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लेक्चर्स प्रोवाइड कराए थे वहां भी मैंने आपको स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था साथ ही साथ अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इसी यूनिट पर तो यहाँ भी हमने बहुत बार स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है ओके बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रफली कुछ ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का कॉन्सेप्ट देखिए हुआ क्या था आप मुझे एक चीज बताइए आप जो ये यूनिट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रांजिशन मैटर कॉम्प्लेक्स इस पे हमारा रिफरेंस पॉइंट क्या है मतलब हम किसके बेसिस पे सारी चीजें बात कर रहे हैं हम एक ट्रांजिशन मेटर कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं हम अपने ट्रांजिशन मेटर कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग करा रहे हैं स्प्लिटिंग करके वहां ट्रांजिशन चेक कर रहे हैं उसी ट्रांजिशन के बेसिस पे स्पेक्ट्रा बना रहे हैं यानी कि हमारा जो पहला पॉइंट आता है इस ट्रांजिशन मेटर कॉम्प्लेक्स में वो है इसकी स्प्लिटिंग यानी कि हमने फर्स्टली क्या कराना है अपने ट्रांजिशन मैटर कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग करा रहे हैं और उसी स्प्लिटिंग की वजह से हमें बहुत सारी चीजें जैसे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का पता चलता है उसका स्पेक्ट्रा का पता चलता है यानी कि सबसे मेन चीज है हमने अपने ट्रांजिशन मेटर कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग करानी है इतनी चीज क्लियर आई अब होता क्या है जैसे आप जूनियर लेवल पे भी कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बीएससी पे भी आपने कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री पढ़ी हुई थी तो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में भी तो आप ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग कराते थे, थे तो वहां भी आप स्प्लिटिंग करा रहे हैं यहाँ भी आप स्प्लिटिंग करा रहे हैं लेकिन दोनों स्प्लिटिंग अलग अलग है ऐसा क्यों तो मैंने ये चीज आपको फर्स्ट लेक्चर पर भी बताई थी कि होता यह है कि कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में भी आप ट्रांजिशन मैटर कॉम्प्लेक्स तो तो की स्प्लिटिंग कराते हैं ओके बट कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में स्प्लिटिंग कौन पढ़ाता है सीएफटी पढ़ाता है तो हुआ ये कि कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में जो आप सीएफटी का टी पढ़ते हैं वो सीएफटी का कॉन्सेप्ट आपको यही चीज बताता है कि ट्रांजिशन मैटर कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग हुई है ओके बट सीएफटी में जो आप स्प्लिटिंग कराते हैं ट्रांजिशन मैटर कॉम्प्लेक्स की वो किसके बेसिस पे कराते हैं आप इस बेसिस पे कराते हैं कि जब आपका जो मेटल है अगर वो आइसोलेटेड है जो भी आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है तो वो आइसोलेटेड है तो इसके शेल जो है वो भी आपके डिजनरेटेड है सारे शेल में जितने भी ऑर्बिट है वो आपके डिजनरेटेड है ओके okay? लेकिन सीएफटी ऐसा बोलती है कि जैसे आप अपने मेटल के ऊपर लिगिन का अप्रोच कराते हैं यानी कि कोई भी लिगिन चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो कोई भी लिगेंड आपके मेटल से अप्रोच करता है तो आपका ये डिजनरेटेड सेल आपका नहीं रहता यहां आपकी जो है वो नहीं रहते, वो कर जाते हैं दो पार्ट जब भी, जब भी में बात, तो कर बात करते हैं ओके तो होता क्या है जस्ट आप इतनी चीज माइंड पर रखिए कि, कि सीएफटी भी आपको स्प्लिटिंग के बारे में बताती है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग के बारे में बताती है बट सी के केस में जो आप स्प्लिटिंग कराते हैं वो किसके बेसिस पर कराते हैं कि जब आप

ये स्प्लिट कर रहा है बिकॉज ऑफ क्योंकि आपके लिगिन जो है वो मेटल से अप्रोच कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से आपका डिशल स्प्लिट कर रहा है ओके okay? बट बाद में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आए जिन्होंने ये चीज बताया कि यहाँ हो रही है वो सिर्फ मेटल और लिगिन के अप्रोच की वजह से नहीं हो रही और भी फैक्टर्स हैं जो ये स्प्लिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है उन फैक्टर में से एक था आपका स्पिन ऑर्बिट कपलिंग ओके होता क्या मैं आपको फैक्टर्स भी थोड़ा एक्सप्लेन कराऊं तो देखो पहला फैक्टर जो था वो था आपका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मतलब ऐसा देखा गया कि जैसे देखो आपको बताए है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है वो आपस में ऑब्वियस सी बात है रिपेल करेंगे दोनों सेम चार्ज बॉडी है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे ओके बट हुआ क्या कि ये जो स्प्लिटिंग मतलब अगर मैं बोलू मेरा जो ये डी शेल है ओके ये मेरा डीशेल है और ये क्या है डिजनरेटेड है इसमें सारे ऑर्बिट के डिजनरेटेड है? है सेम एनर्जी के ओके अब अगर मैं डीशेल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन है सपोज डी टू की बात मैंने की डी टू में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन मेरे पास प्रेजेंट है तो आपकी जो सी एफ टी का था सी एफ टी ने ये बात नहीं बोली की आपकी डी टू जो शेल है डी टू शेल में जो आपके दो ऑर्बिट में दो अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये इलेक्ट्रॉन भी तो आपस में रिपेल करेंगे क्यों भी क्योंकि ये भी एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है ये भी एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है तो अगर ये दोनों नेगेटिव चार्ज है तो ये भी आपस में रिपेल करेंगे और इसके रिपल्शन की वजह से भी यहाँ पर कोई स्प्लिटिंग होने के चांसेस है लेकिन ये चीज आपको सी ने एक्सप्लेन नहीं की थी ओके तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का भी एक कॉज है जो की आपको स्प्लिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है अगर हम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्शन को स्किप करके दूसरे पॉइंट पर जाए दूसरा फैक्टर देखें जो आपकी स्प्लिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका स्पिन ऑर्बिट कपलिंग स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से भी क्या होता है आपके जो शेल है वो क्या होता है आपके डिजनरेटेड नहीं रहते हैं वो भी आपके क्या करते हैं स्प्लिट करते हैं और वो ही फैक्टर हमने आज के लेक्चर पे पढ़ना है कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या है और अब आप इतना तो समझ गए ना स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से क्या होता है आपके जो ये डी शेल है आपका जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपका जो ट्रांजिशन मेटल है वो स्प्लिटिंग के लिए होता है किसकी वजह से बिकॉज ऑफ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग ओके और इसी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से आपका जो मेटल है वो आपकी फर्दर एनर्जी लेवल पे स्प्लिट करता है और एनर्जी लेवल पे स्प्लिट करता है वो तो ठीक है बट हम इसके इफेक्ट में क्या पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होता क्या जैसे आपको पता है हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी टर्म देखो ये एक और चीज मैं आपको बताऊँ सी ने जो स्प्लिटिंग कराई स्प्लिटिंग को क्या बोला इन्होंने बोला एनर्जी लेवल ये एक एनर्जी लेवल है ये एक एनर्जी लेवल है आप जब सी पढ़ते हैं वहां पर आप क्या बोलते हैं इसे एक एनर्जी लेवल बोलते हैं इसे एक एनर्जी लेवल बोलते हैं बट अगर ऑर्बिट ऑर्बिट स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन की वजह से या फिर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से जो आपकी स्प्लिटिंग होती है डिशल में उस टाइम पे जो स्प्लिटिंग लेवल होते हैं उन्हें एनर्जी लेवल ना बोल के एनर्जी टर्म बोला जाता है ठीक है उसमें हम टर्म सिंबल्स बोलते हैं टर्म बोलते हैं ना एनर्जी टर्म हम बोलते हैं एनर्जी लेवल नहीं बोलते तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से भी हमारा सेम चीज होता है हमारा जो मेटल का डिशल है वो फर्दर स्प्लिट करता है नए नए एनर्जी टर्म्स में और ये एनर्जी टर्म यानी कि स्प्लिटिंग तो हुई स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से बट इफेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे उन सारे एनर्जी टर्म में से हमारे लिए मेन चीज जरूरी होता होता है 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 कि हमें ग्राउंड स्टेट टर्म को निकालना क्यों क्योंकि आपको पता है, हम ट्रांजिशन मैटर कॉम्प्लेक्स के लिए जब भी हम कोरिलेशन डायग्राम बना रहे हैं ऑर्गे डायग्राम बना रहे हैं, मतलब कोई भी चीज हम आगे डिस्कस करते हैं स्पेक्ट्रा वगैरह डिस्कस करते हैं तो मेन पॉइंट हमारा रहता है कि हमें ग्राउंड स्टेट टर्म को ढूंढना होता है उसी को सबसे बेस में लिखना होता है क्योंकि सारे कोरिलेशन डायग्राम एनर्जी के रिस्पेक्ट में बनते हैं और एनर्जी के रिस्पेक्ट में आपको सबसे बेस में ग्राउंड स्टेट लेवल लिखना होता है यानी कि सबसे लोअर एनर्जी का स्टेट या फिर टर्म लिखना होता है ओके तो उसको प्रिडिक्ट करने के लिए कि सबसे ग्राउंड स्टेट का टर्म कौन है सबसे लोअर एनर्जी का टर्म आपका कौन सा है कौन सा टर्म सिंबल आपका सबसे लोअर एनर्जी का है यानी कि आप उसे सिंपल टर्म में क्या बोलते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म को डिटर्मिनेशन के लिए भी आपको स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का ही यूज होता है इतनी चीज क्लियर आ रही समझे तो आपको जैसे इतनी चीज माइंड पर रखनी है कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग आप क्यों करा रहे हैं क्योंकि देखो जो आपका सीएफटी का कॉन्सेप्ट था सीएफटी ने आपको स्प्लिटिंग तो बताई थी बट वो स्प्लिटिंग किसके बेसिस पर बताई थी मेटल और लिगिन के अप्रोच करने की वजह से बताई थी बट मेटल और लिगिन के अप्रोच करने के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो स्प्लीटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसमें से पहला फैक्टर तो आपका रहता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो हम फर्स्ट लेक्चर पर डिस्कस कर चुके थे इसलिए मैं यहाँ पे आपको डिस्कस नहीं करा रही दूसरा फैक्टर रहता है आपका स्पिन ऑर्बिट कपलिंग अभी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है क्या वो हम डिस्कस करेंगे अभी जस्ट मैं इतना बोल रही हूँ कि जो आपका डी शेल है उसकी फर्दर स्प्लिटिंग के लिए जो दूसरा फैक्टर रिस्पांसिबल है वो है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इस स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से आपके डी शेल फर्दर स्प्लिट करता है और फर्दर स्प्लिट करने के बाद जो नए नए टर्म आपको मिलते हैं नए नए जो लेवल्स आपको मिलते हैं इन्हें एनर्जी लेवल्स ना बोल के क्या बोला जाता है एनर्जी टर्म या फिर टर्म सिंबल्स ओके और इन टर्म सिंबल्स में से क्या होता है हमारे लिए मेन चीज जो जरूरी होती है कि इन सारे टर्म सिंबल में से ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सा है क्योंकि अगर हमको ग्राउंड स्टेट टर्म पता नहीं है तो हम कोरिलेशन डायग्राम वगैरह आगे स्पेक्ट्रा वगैरह ड्रॉ नहीं कर सकते तो ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना जरूरी है क्योंकि तभी हमको ट्रांजिशन का पता चलेगा तो ग्राउंड स्टेट टर्म को निकालने के लिए जो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की, की वजह से हमको ये चीज पता चलता है कि इन सारे टर्म सिंबल्स में से हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सा है तो हमारा ये क्या हो गया इसके यूज हो गए इसके इफेक्ट हो गए तो हमने ये सारी चीजें आज के लेक्चर पे कवर करनी है ओके खूब आपको इतनी चीज क्लियर आई होगी अब मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी के साथ लेते हुए आगे को कॉन्टिन्यू कराती हूँ आप जस्ट सुनिएगा ओके okay? अब आप, आप यहाँ पर देखिए ठीक है तो देखिए फर्स्टली हम क्या डिस्कस कर लेते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को हम डिस्कस कर लेते हैं वैसे भी हमने बहुत बार ये डिस्कस किया हुआ है बट अगर आप ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं देन डोंट वरी मैं अभी भी आपको सारी चीजें क्लियर कराऊंगी

दूसरी चीज है आपकी ऑर्बिट यानी कि जब आपकी स्पिन और आपके ऑर्बिट आपस में कपल करेंगे आपस में ऐड करेंगे तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को इस टाइप के फिनोमिना को आप क्या बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कितना आसान था ओके बट आपके पर ये और ये चीज आ रही होगी कि ये स्पिन क्या है ये ऑर्बिट क्या है इनकी हम कपलिंग कैसे करा रहे हैं ओके तो देखो ना स्पिन और ऑर्बिट और आपकी कोई नई चीज नहीं है ये होते हैं आपके मोमेंटम जो कि किसकी वजह से जनरेट किए जाते हैं एक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जनरेट किए जाते हैं ओके अब देखो

ऑर्बिटल आपके इक्वल है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल है यानी कि ये दो टाइप के मोमेंटम होते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है और जब ये दोनों मोमेंटम आपस में कपल करते हैं इन्हीं की कपलिंग को आप क्या बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग और इसी कपलिंग की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है कि जो आपका डिजनरेटेड लेवल है जहां पर आपकी सारे ऑर्बिट सेम एनर्जी के हैं ये आपके फर्दर स्प्लिट कर जाते हैं नए नए एनर्जी लेवल्स पे और यहां पर हम इन्हें एनर्जी लेवल्स ना बोल के क्या है? टंग बोलते हैं एनर्जी टर्म बोलते हैं इतनी चीज क्लियर आई यानी कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या है अगर मैं इसको सिंपल टर्म में बोलूं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या है ये दो टाइप के मोमेंटम की कपलिंग है पहला मोमेंटम होता है आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम दूसरा मोमेंटम होता है आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और ये दोनों मोमेंटम किसकी वजह से जनरेट होते हैं आपके ये जो ऑर्बिट है इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जनरेट होते हैं तो यहाँ पर कोई इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दो ये दो मोमेंटम जनरेट हो रहा है ये जब ये दोनों मोमेंटम आपस में कपल कर जाते हैं इसी कपलिंग की वजह से आपको देखने को मिलता है कि ये जो आपका डिजनरेटेड सेट है ना ये नए नए एनर्जी लेवल्स पर टूट जाता है और यहाँ पर हम इन्हें एनर्जी लेवल्स ना बोल के क्या बोलते है? बोलते हैं हैं एनर्जी टर्म्स इतनी चीज क्लियर आई तो आपको मैंने ये चीज तो बोली कि आपको ये जो डीजनरेटेड सेट है इसकी फर्दर स्प्लिटिंग के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के मतलब इसमें जो फर्दर स्प्लिटिंग हो रही है उसको फर्दर स्प्लिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर्स हैं उसको डिस्कस हमने करना है और उन्हीं फैक्टर्स में सिर्फ एक फैक्टर आपका क्या है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग तो आपको समझ है इस डिजेनरेटेड सेट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है

फर्दर स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट आया फर्दर स्प्लिटिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है उसी फैक्टर को आप बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट का और ये स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट क्या आपको सी एफ टी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी सी एफ टी ने भी क्या किया था ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में जो मेटल का शेल है उसको उसकी स्प्लिटिंग दिखाई थी बट इस टाइप की वो जो स्प्लिटिंग थी मैंने आपको बताया किसकी वजह से थी मेटल और लिगिन के आपस में अप्रोच करने की वजह से जब आपका मेटल होता है आपको पता है है ये मेटल मेटल के के डी शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट यानी कि के पास भी इलेक्ट्रॉन है और जब लिगिन मेटल से अप्रोच करेगा तो आपको पता है लिगिन तो लुइज बेस होता है उसके पास भी अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अगर मेटल के पास अपने इलेक्ट्रॉन है देखो मेटल के डी शेल पे इलेक्ट्रॉन है लिगिन के पास इलेक्ट्रॉन है तो जैसे लिगिड मेटल से अप्रोच करेगा तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्लोज आएंगे और इलेक्ट्रोन और इलेक्ट्रॉन के आपस में क्लोज आने की वजह से क्या होगा होगा रिपल्शन हो और इसी रिपल्शन की वजह से आपका डीशल स्प्रिट करता है ये बात आपको किसने बताई थी सी ने बताई थी और इस, इसी स्प्रिटिंग की वजह मतलब इसी टाइप के फैक्टर की वजह से इसी रिपल्शन की वजह से उन्होंने ये बताया कि आपका डिशल स्प्लिट करता है बट हमने क्या बोला इसके इस फैक्टर के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी स्प्लिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसमें से एक फैक्टर रहता है आपका स्पिन ऑर्बिट कपलिंग तो मेन चीज यह है कि आपके जो सीएफटी का था था बात तो सेम चीज का करता था, बट CFT ने इस टाइप की कपलिंग को एक्सप्लेन नहीं किया था इस टाइप की कपलिंग की वजह से भी स्प्लिटिंग हो सकती है ये चीज इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था यह जो कपलिंग का कॉन्सेप्ट है ये जो स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट है किसने एक्सप्लेन किया था रसल शॉन्डलर ने एक्सप्लेन किया था जैसे आप रसल शॉन्डर कपलिंग पढ़ते हैं तो वो कपलिंग को आप एलस कपलिंग भी तो बोलते हैं ना एल कपड़ी क्या है यही तो है देखो एल और एस एल आप रसल सॉन्डर कपलिंग जब पढ़ते हैं तो उसमें भी तो आप सेम चीज पढ़ते हैं ना आप एल और एस की कपल कराते हैं एल और एस आपका क्या है यही चीज तो है जब आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर कपल करता है इसी को बोलते हैं एल एस कपलिंग और ये चीज फर्स्टली किसने किसनेव की थी मतलब फर्स्ट टाइम किसने इस चीज को इस चीज का कॉन्सेप्ट किसने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था वो थे आपके रसल और सोलर दो केमिस्ट थे इन्होंने ये चीज को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था और इसी को बोला जाता है रसल सॉन्डर कपलिंग ओके तो रसल सॉन्डर कपलिंग में तो आप इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं अभी जो हमने Coupling देखना, यानी कि कैसे कैसे आपकी हो हो रही है, कैसे आपका splitting हो रही है, 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 आपका पे हमने जस्ट इतनी इतनी बात करनी चीज आया, ये समझे? एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ना बोल के इनके आगे एक और टर्म को ऐड कर देंगे वो रहेगा आपका ओके okay? अभी आप जस्ट सुनिएगा हम यहाँ पर देखो साफ साफ लिखती हूँ एक और टर्म हम यहां पर को ऐड करेंगे वो आपका क्या रहेगा रिजल्टेंट ओके okay? अब रिजल्टेंट मतलब क्या हुआ अभी हम आगे जब भी जितना भी थ्योरी आपको अभी आगे आपको थ्योरी से तो मतलब है बहुत मतलब है बहुत ज़्यादा मतलब क्योंकि आप जब ना बोल के मैं बोलूंगी रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मूवमेंटम और ऑर्बिटल रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंटम ओके अब यहाँ पर ये यह रिजल्टेंट मतलब क्या हुआ रिजल्टेंट मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि सारे इलेक्ट्री इलेक्ट्रॉन अपना पर्टिकुलर क्या बनाएंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम और अपना ही ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बनाएंगे अब जरूरी तो नहीं है ना एक मेटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो हो सकता है अगर जैसे हमने यहाँ पर ही बात की हमने बोला कि ये जो हमारा डी शेल हमने बनाया वो किसका बनाया डी फाइव का बनाया हमने यहाँ पर को फाइव इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं ओके okay? अब होगा कि अगर ये का शेल है पर को फाइव इलेक्ट्रॉन है और ये फाइव इलेक्ट्रॉन का अपना अपना क्या होगा एल का वैल्यू होगा अपना अपना एस का वैल्यू होगा इसके पास भी अपना एल होगा इसके पास भी अपना एस होगा इसके पास भी एल इसके पास भी एस इसके पास भी एल इसके पास भी एस इसके पास भी एल इसके पास भी एस यानी कि यहाँ पर आपके पास फाइव एल है और आपके पास फाइव एस है Okay, तो होता क्या है कि अगर हमने यहाँ पर को को देखना है, तो यहाँ पर हमारे पास अलग -अलग की है, अलग -अलग की हम सारे इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जनरेट किए गए स्पिन एंगुलर मोमेंटम को ऐड करते हैं जिसे हम बोलते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग ओके okay? तो होता क्या है स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम से पहले स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग से पहले भी दो कॉन्सेप्ट आते हैं पहला कॉन्सेप्ट होता है आपका स्पिन स्पिन कपलिंग का कॉन्सेप्ट ठीक है स्पिन स्पिन कपलिंग का कॉन्सेप्ट दूसरा होता है आपका ऑर्बिटल ऑर्बिटल

एस फोर एस फाइव ओके एस आपको क्या डिनोट कर रहा है एस दिखा रहा है आपको स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एस वन यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन के थ्रू जनरेट किया गया स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एस टू मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन के थ्रू जनरेट किया गया एंगुलर मोमेंटम

सारे इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जनरेट किए गए स्पिन एंगुलर मोमेंटम को पहले आपस में कपल करके एक ओवरऑल इनकी एक ओवरऑल वैल्यू निकालूंगी जिसे मैं बोलती हूँ रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम और यहाँ पे जो फिनोमिना अराइज होता है इससे हम बोलते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग स्पिन स्पिन कपलिंग मतलब यहाँ पे भी हमने कपलिंग की यहाँ पे भी हमने एडिशन किया है बट किसका किया स्पिन और स्पिन कार स्पिन मतलब अगेन क्या हो गया स्पिन एंगुलर मोमेंटम यानी कि जब हमने स्पिन एंगुलर मोमेंटम की कराई अगेन स्पिन एंगुलर मोमेंटम से तो उसी कपलिंग को हम बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंट सॉरी स्पिन स्पिन कपलिंग इतनी चीज क्लियर है तो अलग अलग टाइप की स्पिन एंगुलर मोमेंटम थी इनको आपस में कपल कराए तो हमें मिल गया रिजल्ट स्पिन एंगुलर मोमेंटम इतनी चीज क्लियर है सिमिलरली ऑर्बिटल ऑर्बिटल कपलिंग मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम तो हम क्या कर सकते हैं स्पिन एंगुलर सॉरी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं फाइव इलेक्ट्रॉन है तो पहले इलेक्ट्रॉन के थ्रू जनरेट किया गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दूसरे इलेक्ट्रॉन के थ्रू जनरेट किया गया तीसरे इलेक्ट्रॉन के थ्रू जनरेट किया गया चौथे इलेक्ट्रॉन के थ्रू जनरेट किया पांचवें इलेक्ट्रॉन के थ्रू जनरेट किया हुआ तो जब मैं इनको आपस में कपल कर दूंगी तो मुझे कैपिटल एल मिलेगा जिनको मैं वैक्टर के फॉर्म में भी लिखती हूँ ओके तो यहाँ पर को जो कपलिंग हुई इससे हम बोलेंगे ऑर्बिटल ऑर्बिटल कपलिंग क्यों क्योंकि यहाँ पर जो हमने कपलिंग कराई वो किसकी की ऑर्बिटल ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की कपलिंग कराई किसके साथ अगेन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ तो देखो L1, L2, L3, L4, L5 तो ये सारे के सारे क्या है आपके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है जो कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन के थ्रू जनरेट हुए हैं तो हमने जब स्पिन ऑर्बिट कपलिंग करानी होती है तो पहले हमको क्या कराना होता है स्पिन स्पिन कपलिंग उसके बाद हम कराते हैं ऑर्बिटल ऑर्बिटल कपलिंग उसकी वजह से क्या है हमें दो टाइप के मिलते हैं दो टाइप के कपल प्रोडक्ट मिलते हैं एक है हमारे इन एक हमारे समझ और कब होता है? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो सी बात है एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा और एक ही हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा तो उस केस में हमें रिजल्टेंट

इन रिजल्टेंट स्पिन की वैल्यू और रिजल्टेंट ऑर्बिट की वैल्यू देन हम लोग रिजल्टेंट स्पिन और रिजल्टेंट ऑर्बिट की वैल्यू को क्या कराते हैं कपल कराते हैं और उसी कपलिंग को बोलते हैं स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग इतनी चीज क्लियर आई तो आगे हम डेफिनेशन में क्या है रिजल्टेंट टर्म का यूज करेंगे बार बार तो रिजल्टेंट मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि हम एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो हमारे पास नंबर ऑफ कपलिंग हो रही है मतलब नंबर ऑफ स्पिन स्पिन भी है नंबर ऑफ ऑर्बिट भी है तो क्या होगा हम लोग उनका रिजल्टेंट निकालेंगे देन हम आपस में उनको कपल करेंगे और इसी कपलिंग को हम क्या बोलते हैं स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग इतनी चीज क्लियर आई यहां तक अब आप समझे तो इतना ही था आपका स्पिन एंगुलर कपलिंग का स्पिन कपलिंग का concept. अब मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके चलती हूँ देन हम आगे हमारा प्रॉपर टॉपिक पे डिस्कशन लेंगे क्योंकि हमारा स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म होता है उसके बाद मैं एक एक्साम्पल भी दिखाऊंगी की हम कैसे स्पिन ऑर्बिट कपलिंग करा के जे की वैल्यू जब भी हमारा स्पिन और ऑर्बिट यानी कि स्पिन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से ऑर्बिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल से जब ये आपस में कपल करता है तो हमको जे की वैल्यू मिलती है तो वो जे की वैल्यू हमें कैसे मिली और ये कपलिंग होकर स्प्लिटिंग कैसे हुई वो भी मैं आपको एक एक्साम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कराऊंगी बट उससे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड शो करा देती हूँ कि मोमेंटम मतलब क्या हो रहा है ठीक है तो देखो हुआ ये कि आपको पता ना एक चीज बताइए अब ध्यान से सुनेगा देखो एक बार सुनिएगा देखो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं अब आप बताइए ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स मतलब आपके पास एक मेटल होगा मेटल के साथ एक लिगिंट होगा जो इससे अप्रोच कर रहा होगा ये जो कॉम्प्लेक्स ओवरऑल बना इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स ओके अब आप बताइए यहाँ पर को जो हम स्प्लिटिंग करा रहे हैं किसकी करा रहे हैं लिगिन की स्प्लिटिंग कराते हैं बिल्कुल नहीं किसकी स्प्लिटिंग कराते हैं मेटल की स्प्लिटिंग कराते है? करा हैं और आपको पता अगर मेटल है तो ऑब्वियस सी बात है मेटल के अंदर आपका एटम होगा अगर एटम है तो ऑब्वियस सी बात है एटम के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे

ऑर्बिट सब शेल वगैरह को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हम डायरेक्टली इसमें इलेक्ट्रॉन्स को कंफ्यूज तो करेंगे जो हमारे काम की चीज है हम उस पर फोकस करते हैं ये हमारा एटम है एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस है यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और यहाँ पर हमने एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लिए हुए हैं ठीक है क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ओके अब हुआ क्या देखो यहाँ पर जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ना ये दो टाइप के मोमेंटम जनरेट करते हैं जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन से मोमेंटम एक होता है आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम जिसे हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करता है एक होता है हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम जिसे हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट है ओके अब ये कैसे जनरेट हो रहा है, वो भी मैं आपको बताती हूँ पहले जो सुनिए मोमेंटम होता क्या है ठीक है तो मोमेंटम मतलब क्या होता है देखिए कभी भी आपके पास कोई बॉडी है कैसी बॉडी जो मूविंग बॉडी है ठीक है आपको पता है आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऑब्वियसली बात है ये तो मूव करता है ना चार्ज पार्टिकल और ये मोशन में रहता है ओके अब मोमेंटम क्या होता है ना कभी भी आपके पास कोई मूविंग बॉडी है और उस मूविंग बॉडी का अपना कुछ मास है तो देखो होगा क्या अगर मैं बोलू मेरे पास कोई मूविंग बॉडी है ओके okay? अगर वो मूविंग बॉडी है तो सी बात है उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होगा साथ ही साथ अगर आपकी मूविंग बॉडी का कुछ मास है ओके okay? तो अगर आपके पास एक मूविंग बॉडी है उस मूविंग बॉडी जो मूव कर रही है उसकी कुछ न कुछ वेलोसिटी होगी और वेलोसिटी के साथ साथ अगर आपके मूविंग बॉडी का कुछ न कुछ मास भी है तो उस केस में क्या होता है आपको मोमेंटम मिलता है मोमेंटम मतलब क्या हुआ कि जब आप उस मूविंग बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी को आपस में डॉट प्रोडक्ट बना देंगे यानी कि उनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है इन दोनों का वो होता है मोमेंटम जिसे आप जनरली पी से रिप्रेजेंट करते हैं बट यहाँ पर जो हमारा मोमेंटम है उसे हम पी से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं यहाँ पर हम अलग अलग टाइप के मोमेंटम मिल रहे हैं और अलग अलग टर्म से उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओके बट जस्ट आप इतना समझो मोमेंटम मतलब क्या हुआ अगर आपके पास मूविंग बॉडी है तो ऑब्वियसली बात है वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही होगी और अगर आपके मूविंग बॉडी के पास कुछ ना कुछ मास है तो उसकी वेलोसिटी और उसके मास जब आप उसमें डॉट प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपको जो मिलता है जो आपको क्वांटिटी मिलती है जो आपको क्वांटिटी मिलती है उसे आप बोलते हैं मोमेंटम ओके जिसे आप जनरली पी से रिप्रेजेंट करते हैं बट हम यहाँ पर को पी से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे तो आपके इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है दो टाइप के मोमेंटम जनरेट करता है वो मोमेंटम कैसे जनरेट होता है मैं आपको बताती हूँ देखो आपको पता है आपका इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आपके अर्थ की तरह बिहेव करता है मतलब अगर आप देखेंगे जैसे आपका अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम है यानी कि सन के चारों ओर जैसे रिवॉल्व करता है सेम वे में आपका इलेक्ट्रॉन भी क्या है न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है कैसे न्यूक्लियस के पास दो मोशन होता है कौन से एक होता है ऑर्बिटल मोशन मोशन दूसरा होता है स्पिन मैं मैं पर इसको इरेज इरेज नह, नहीं कराती अभी मैं आपको दोबारा बताऊंगी देखो इलेक्ट्रॉन्स के पास दो टाइप के मोशन होते हैं एक होता है आपका ऑर्बिटल मोशन ओके दूसरा होता है आपका स्पिन मोशन अब ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन मतलब क्या हुआ ऑर्बिटल मोशन मतलब ऐसा होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है आपका जैसे न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के चारों ओर जब आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो ये चारों ओर जो एरिया है उसे आप बोलते हैं ऑर्बिट तो जब आपका इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे रिवॉल्व करता है तो कुछ इसे आप मतलब जैसे ना ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसे आप बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन ओके और आपको पता है आपका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के साथ साथ अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व करता है अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करना मतलब अपनी स्पिन पे रिवॉल्व करना तो आपका इलेक्ट्रॉन दो टाइप के मोशन कराता है इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं जैसे होता था? -था था तो -साथ -था था था। मतलब, है इलेक्ट्रॉन हो का तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है ये अपनी एक्सेस पे भी रिवॉल्व करता है ऐसे ऐसे भी रिवॉल्व करता है साथ ही साथ ऐसे ऐसे रिवॉल्व करने के साथ साथ यहाँ को भी मूव करते जाता है तो अगर वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो आप बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन अगर वो अपने स्पिन में रिवॉल्व करते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या है दोनों टाइप के मोशन मोशन रखता है ऑर्बिटल भी यानी कि वो ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के साथ साथ वो अपनी स्पिन में भी रिवॉल्व करता है तो दो टाइप के मोशन आपके इलेक्ट्रॉन शो करता है जैसे आपकी पृथ्वी करती है जैसे आपका अर्थ करता है आपका अर्थ क्या है अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व करता है और सन के चारों ओर भी रिवॉल्व करता है ओके अब देखो

और उस टाइम पे मोशन के टाइम पे वेलोसिटी होगी मोमेंटम को आप क्या बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपको समझ में आया हमने बोला इलेक्ट्रॉन दो टाइप के मोमेंटम करेगा एक होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम एक होगा आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ओके तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, आपको समझ में आया क्या हुआ

मोमेंटम मिला उसे आप बोलेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जिसे आप कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं आसान था दूसरा स्पिन एंगुलर मोमेंटम सेम चीज है जब आपका इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन में रिवॉल्व कर रहा है उस टाइम पे भी उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी उस टाइम पे भी उसका कुछ ना कुछ मास होगा तो जब वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो अगेन आपको एक नया मोमेंटम मिलेगा उस मोमेंटम को आप बोलते हैं स्पिन स्पिन एंगुलर मोमेंटम यानी कि में रिवॉल्व करते टाइम पे उसकी जब जब वेलोसिटी है है उसका उसका जो मास है, उसका जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो उस मोमेंटम को आप बोलेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम तो आपके इलेक्ट्रॉन के थ्रू ये दोनों मोमेंटम जनरेट किए जाते हैं और अगर सिमिलरली क्या है इस इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ स्पिन एंगुलर मोमेंटम है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वैसा आपका इस इलेक्ट्रॉन का भी होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी ऑर्बिट में भी करेगा अपने एक्सिस पे भी करेगा ये इलेक्ट्रॉन भी ऑर्बिट में भी करेगा करेगा पे भी तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जनरेट किया जाएगा नंबर ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो आपने क्या करना है पहले सारे इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन एंगुलर मोमेंटम को कपल करना है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग फिर आप सारे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम को कपल करेंगे उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑर्बिटल ऑर्बिटल कपलिंग। उसके बाद हमें दो वैल्यूज मिलेंगे एक रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम एक होगा आपका रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर एंड देन उन उन दोनों दोनों वैल्यूज को जब आप कपल करेंगे ऑर्बिटल और स्पिन की वैल्यू को जब आप कपल करेंगे उसी कपलिंग को आप बोलते हैं स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग इतनी चीज क्लियर आई आसान था बस यही चीज आपने माइंड पर रखनी ओके okay? अब एक और चीज मैं आपको बताने वाली थी वो क्या हाँ वो ये कि देखो हुआ क्या हमने ये चीज तो पढ़ी ना यहाँ पर जो फर्दर स्प्लिटिंग हुई ठीक है तो स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग का रीजन आपको आप समझ में आ रहा है किसकी इस वजह से हुई आपके एटम के अंदर जैसे ये जो मैंने मेटल मैं मैं लिया है इस मेटल के अंदर सपोज मैं तीन इलेक्ट्रॉन यहां मैंने तीन इलेक्ट्रॉन लिए इट मीन यहां पर को आपके पास तीन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अब हुआ क्या मोमेंटम का केस भी कहां से आता है मैं आपको कुछ ऐसे बता देती हूँ देखो ये तो आप समझ गए ना मोमेंटम का केस कहां से आता है आप जितना समझो होता ही है ना अगर आपके पास आपके इलेक्ट्रॉन्स के पास मोमेंटम होता है तो उसके पास कुछ ना कुछ क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है मतलब मोमेंटम होना मतलब आप जिस इतनी आप जिस जिस चीज चीज समझो हम फिजिक्स में ज्यादा नहीं घुस रहे सुनिए आपके अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ ना कुछ मोमेंटम है यानी कि उसके पास अपना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट भी है ओके और इनका मैग्नेटिक मतलब इंटरेक्ट करने वाला मोमेंटम नहीं होता है इंटरेक्ट करने वाला होता है मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कि तीन इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन ने भी अपना कुछ क्या निकाला मोमेंटम निकाला इस इलेक्ट्रॉन ने भी अपना कुछ मोमेंटम निकाला इस इलेक्ट्रॉन ने भी अपना कुछ मोमेंटम निकाला और इन सबके पास अपना अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट है अब होता क्या ये मैग्नेटिक मोमेंट आपस में क्या करते हैं कपल करते हैं जैसे ये कपल करेंगे तो क्या होगा ये शेल जो है वो फर्दर स्प्लिट कर जाएगा जो चीज आपको सीएफटी ने एक्सप्लेन नहीं की थी यही चीज तो हमने डिस्कस कर रहे हैं बार बार समझ में आई इतनी चीज वही चीज है इतनी चीज क्लियर आई अब हम लोग क्या करते हैं यही था हमारा स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का कॉन्सेप्ट तो अब मैं आपको क्या मैंने आपको जस्ट इतना बैकग्राउंड तो एक्सप्लेन कर दिया अब मैं आपको थ्योरी के साथ प्रॉपरली लेके हुए चलती हूँ और एक एग्जांपल से दिखाती हूँ आपने स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कराई और कैसे आपकी फर्दर स्प्लिटिंग हुई आपके जो नए नए एनर्जी लेवल्स आपको मिले नए नए एनर्जी टर्म आपको मिले सॉरी ओके तो स्टार्ट करें तो देखिए एलएस कपलिंग एलएस कपलिंग आपकी सेम चीज है एलएस कपलिंग मतलब आपकी स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग क्योंकि आपको पता है स्पिन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस ऑर्बिट को आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस तो इनकी कपलिंग को आप बोल सकते हैं एलएस कपलिंग तो एलएस कपलिंग और स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग सेम चीज है ठीक है तो ये बोल रहा है एलएस कपलिंग क्या है है ये बोल रहा एलएस कपलिंग इज अ कपलिंग फिनोमेना ये एक टाइप का कपलिंग फिनोमेना है जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है ये बोल रहा है इन विच अ स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन जिसमें क्या है आपके इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का क्या है आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम को ऐड करते हैं

तो फर्स्टली आप क्या करेंगे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके थ्रू जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जनरेट हुआ है इनको आप आपस में ऐड करेंगे यानी कि एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री ओके इनको आप आपस में ऐड करेंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम जिसे आप एस वैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं ओके okay? और लिखा है एंड इन द सेम वे और इसी तरह आप क्या करते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की उनको आप आपस में ऐड करेंगे और क्या बनाएंगे रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसे आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एल वेक्टर से तो यानी कि आप क्या करेंगे सारे इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो एल की वैल्यू मिली है आप इसको कपल कराएंगे यानी कि एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री

और रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन दोनों मोमेंटम की वैल्यूज को आप क्या करेंगे आपस में कपल करेंगे एक दूसरे के साथ और इसी कपलिंग को आप क्या बोलेंगे एल एस कपलिंग या फिर स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग ओके और सिमिलरली ये क्या बोल रहा है देर इज अग्नेटिक इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन स्पिन एंगुलर मोवमेंटम

चार टाइप के इंटरेक्शन आपको डिस्कस कराती आप जस्ट देखो सपोज मैंने बोला मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है यानी कि ये मेरा हुआ पहला इलेक्ट्रॉन ये मेरा हुआ दूसरा इलेक्ट्रॉन ओके अब ये दो इलेक्ट्रॉन है तो ये मुझे दो इलेक्ट्रॉन क्या है अलग अलग क्या है स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू देंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो मुझे एस की वैल्यू मिलेगी उसे मैं एस वन बोलूंगी जो एल की वैल्यू मिलेगी इसे मैं बोलूंगी एल वन ओके दूसरे इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो मुझे एस की वैल्यू मिलेगी इसे मैं बोलूंगी एस टू अगर एल की वैल्यू देखूंगी तो मुझे एल टू ओके अब अलग अलग इंट्रेक्शन क्या देखने को मिलेंगे ये बोल रहा है हमको पहला इंट्रेक्शन ये देखने को मिल सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन आपस में इंटरेक्ट होगी यानी कि दो इलेक्ट्रॉन स्पिन आपस में कंबाइंड हो गई ओके तो हुआ क्या पहला इलेक्ट्रॉन ने अपनी स्पिन दी दूसरे इलेक्ट्रॉन ने अपनी स्पिन दी तो पहला इंटरेक्शन क्या है कि S1 और S2 आपस में कपल कर गए तो पहला इंटरेक्शन हुआ S1 वन प्लस एस टू की कपलिंग जिसे आप बोलते हैं स्पिन स्पिन इंटरेक्शन ओके ये हो गया पहला इंटरेक्शन देखने को जो हमें मिलेगा एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर ओके दूसरा इंटरेक्शन हमको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके लिए जो एल की वैल्यू है एल वन और एल टू ये आपस में कपल होगी तो दूसरा इंटरेक्शन हमारा क्या है कि एलवन प्लस एल टू आपस में कपल हो गया और इस इंटरेक्शन को आप क्या बोलते हैं ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंटरेक्शन जो हम आगे डिस्कस कर रहे थे ओके तो ये दूसरा इंटरेक्शन हो गया ओके अब तीसरा इंटरेक्शन क्या है ये बोल रहा है तीसरा इंटरेक्शन कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा आपको एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम मल्टी इलेक्ट्रॉन में भी दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो तीसरा इंटरेक्शन जो आपको देखने को मिलेगा वो ये कि आपके पहले इलेक्ट्रॉन में जो आपको एस वन की वैल्यू है और आपकी जो ये एलवन की वैल्यू है ये आपस में कपल कर गई यानी कि एस वन ने आपस में कपल किया किसके साथ एलवन के साथ और एस टू ने आपस में कपल किया किसके साथ एल टू के साथ तो यहां पे जो आपकी कपलिंग हुई इसे आप बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग यानी कि ये वाली कपलिंग भी आपको देखने को मिल सकती है एक एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर ओके और चौथा इंटरेक्शन क्या है चौथा इंटरेक्शन आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि आपके पहले इलेक्ट्रॉन की एस वन की वैल्यू किसके साथ कपल कर गई दूसरे इलेक्ट्रॉन की एल टू के साथ यानी कि पहले आपने देखा एस वन प्लस एस टू एल वन प्लस एल टू एस टू दूसरे में देखा एस वन प्लस एल वन अब आप देख रहे हैं एस वन किसके साथ कपल कर गया दूसरे इलेक्ट्रॉन के एल वन के एल टू के साथ यानी कि अब आपने क्या देखा एस वन ने किसके साथ कपल किया एल टू के साथ और एस टू ने किसके साथ कपल किया एल वन के साथ तो यहाँ पर आपको ये चार टाइप की कपलिंग देखने को मिलती है पहली कपलिंग तो आपकी पॉसिबल है ये तो एग्जिस्ट करती है जिसे आप बोलते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग ओके okay? दूसरी कपलिंग भी आपकी एग्जिस्ट करती है जिसे आप बोलते हैं ऑर्बिट ऑर्बिट कपलिंग तीसरी कपलिंग भी आपकी एग्जिस्ट करती है जिसे आप बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कपलिंग बट ये 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 को आप आप कर कर सकते सकते हैं हैं आपको इसे आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है मतलब हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ कपलिंग हो रही है तो कुछ इस टाइप की हो सकती है मे बी ये दोनों आपस में कपल कर जाए बी ये दोनों आपस में कपल कर जाए मे बी ये दोनों आपस में कपल कर जाए और ये कंडीशन भी होती है कि मे बी ये दोनों आपस में कपल कर जाए

पास जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है ना इसमें आपके पास मेटल और लिगेंड है अगर ये जो मेटल है ये हमारा फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग कर रहा है ये जो मेटल है ये हमारा फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल सीरीज से बिलोंग कर रहा है तो उस केस में हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो S1 S2 इंटरेक्शन है वो हमारा सबसे ज्यादा है उसके बाद L1 L2 इंटरेक्शन हमारा है और लास्टली हमारा S1 L1 इंटरेक्शन है मतलब S1 S2 इंटरेक्शन मतलब स्पिन स्पिन इंटरेक्शन L1 इंटरेक्शन मतलब और एल इंटरेक्शन और L1 S1 L1 इंटरेक्शन मतलब ऑर्बिट स्पिन इंटरेक्शन ओके तो ये बोल रहा है अगर हमारे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में जो ये मेटल है ये हमारा फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल सीरीज से बिलोंग कर रहा है तो उस केस में हमको देखने को मिलेगा कि एस वन एस वन इंटरेक्शन यानी कि स्पिन स्पिन इंटरेक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसके बाद हमारी ऑर्बिट ऑर्बिट इंटरेक्शन की वैल्यू होगी और लास्टली हमारी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वैल्यू होगी ओके लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर हम जो मेटल है वो हमारा कोई हैवियर मेटल है तो उस केस में हमको क्या देखने को मिलेगा कि हमारी जो सबसे ज्यादा वैल्यू है वो किसकी है स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग की वैल्यू यानी कि एस कपल कर रहा है एलवन के साथ तो स्पिन और ऑर्बिट की कपलिंग की वैल्यू सबसे ज्यादा है उसके बाद हमारी किसकी है एस वन देखो उसके बाद हमारी किसकी वैल्यू है एल वन एल टू की वैल्यू आपकी इक्वल है किसके साथ ये एस वन हाँ ये तो आपका एस वन ये भी आपका ऑर्बिटल और स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग है उसके बाद आपकी किसकी वैल्यू है ऑर्बिटल एंगुलर ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंटरेक्शन की वैल्यू मतलब आपकी अगर आप हेवियर एलिमेंट की बात करेंगे तो आपका जो ये सेकंड इंटरेक्शन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉगर होगा और जो आपका फर्स्ट और सेकेंड इंटरेक्शन है ये आपका इक्वल रहेगा मतलब ये दोनों बराबर बराबर है बट जो थर्ड इंटरेक्शन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांगर रहेगा किसके केस में हेवियर एलिमेंट के केस में ठीक है तो ये इतनी चीज हुई अब आगे बढ़ी ठीक है अब बहुत थ्योरी हमने डिस्कस कर दी अब मैं आपको पर्टिकुलरली एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बताती हूँ कि कैसे स्पिन ऑर्बिट कब

कुछ ना कुछ क्या मिलेगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मिलेगा यानी कि कुछ ना कुछ आपको एल मिलेगा कुछ ना कुछ आपको एस मिलेगा तो आपने इनकी कपलिंग करानी एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दू देखो अभी तक मैं आपको कपलिंग को कुछ ऐसे एक्सप्लेन कर रही थी कि कपलिंग मतलब आप एडिशन समझो एडिशन मतलब आप एल और एस को एड करते हैं ओके okay? बट कपलिंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है एडिशन नहीं होता है कपलिंग का मतलब होता है कॉम्बिनेशन मतलब आपने एल और एस को कंबाइन कराना इनको इनका कॉम्बिनेशन कराना और कॉम्बिनेशन क्या है एडिशन के साथ साथ subtraction से भी होता है ओके okay? तो आपको क्या कराना है कपलिंग करानी है एल और एस की कपलिंग करानी है कपलिंग करानी है मतलब कॉम्बिनेशन कराना है और आपको पता है L और S की 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 कपलिंग वजह से आपको वैल्यू मिलती है तो जे का जो फॉर्मूला होता है वो एल प्लस एस के साथ साथ क्या होता है एल माइनस एस होता है इतनी चीज क्लियर तो कपलिंग से करना मतलब क्या हुआ जे की वैल्यू निकालना जे मतलब होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम ओके तो जे की वैल्यू किसके इक्वल होती है J की वैल्यू होती है L प्लस एस से L माइनस एस के इक्वल ओके यानी कि आपने L प्लस एस से L माइनस एस की ओर जाना होता है और आप कैसे जाते हैं आपको ये चीज पता है आप L प्लस एस लिखते हैं फिर लिखते हैं L प्लस एस माइनस वन डन लिखते हैं L प्लस एस माइनस टू एल प्लस एस माइनस थ्री ऐसे करके आगे बढ़ते रहते हैं जब तक आपको एल माइनस एस की वैल्यू नहीं मिल जाती ओके okay? तो आपने पहले एल माइनस एस एस एल प्लस एस की वैल्यू निकालनी है और एल माइनस एस की वैल्यू निकालनी है और तब तक वन माइनस करते रहना जब तक आप एल प्लस वन से एल प्लस एस से एल माइनस एस तक ना ना पहुंच जाए इतनी चीज क्लियर आई तो आपने यहाँ पर को ये चीज करा दी और अगर आप ये निकाल देंगे तो यहाँ जो आपको ये टर्म मिल रहा है एल प्लस एस कॉम्बिनेशन से कपलिंग से जो टर्म मिल रहे हैं क्योंकि कपलिंग हमने किसकी करानी है एल और एस की कपलिंग करानी है और एल और एस को कैसे निकालते हैं आप पहले से लास्ट के लेक्चर से हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं तो हम एल और एस की वैल्यू पहले निकालते हैं ठीक है थीके? तो हम लोग क्या हमारा डी वन कॉन्फ्रिगेशन है डी वन कॉन्फ्रिगेशन मतलब मेरा कुछ डीशल कुछ ऐसा है इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अगर मैं एल की वैल्यू निकालू एल की वैल्यू किसके होता है किसके इक्वल होती है टोटल जो आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो एजीमुथर क्वांटम नंबर की वैल्यू आई इनके समीशन के इक्वल होती है और आपको पता है यहाँ पर को तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है नहीं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए जो एजीमुथर क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो ही आपकी एल की वैल्यू होगी तो एजीमुथर क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी आप बोलते हैं ये होता है आपका जीरो इसकी वैल्यू होती है आपकी प्लस वन इसकी होती है आपकी प्लस टू और इसकी वैल्यू होती है माइनस वन इसकी होती है माइनस टू आपका इलेक्ट्रॉन कौन सी सेट पर प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू है प्लस टू तो आपके लिए एल की वैल्यू किसके इक्वल होगी यानी कि एल इज इक्वल टू किसके इक्वल इक्वल होगा प्लस प्लस तो देखो आपने लिख दिया इज टू आसान था आपके लिए एस की वैल्यू किसके इक्वल होती है जो आपका कैपिटल एस होता है ये जो S की वैल्यू होती है ये आपके इलेक्ट्रॉन्स की सारे इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन के इक्वल होती है यानी कि आपने पास जितने नंबर के इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन को जब आप टोटल कर देंगे सम करेंगे तो आपको कैपिटल एस की वैल्यू मिल जाती है लेकिन यहाँ पे तो आपके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन और इसकी स्पिन ऊपर की ओर है यानी कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है प्लस हाफ के इक्वल है तो आपने क्या लिख दिया एक इलेक्ट्रॉन है और स्पिन है हाफ तो आपने लिख दिया एस की वैल्यू किसके इक्वल हो गई हाफ इतना आसान था अब आपने इन दोनों की कपलिंग करानी है ठीक है कपलिंग से पहले आप इसके लिए टर्म सिंबल निकालिए कि टर्म सिंबल आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे टर्म सिंबल आपका कैसे रिप्रेजेंट होता है आपको पता है टर्म सिंबल पे आप ऊपर लिखते हैं मल्टीप्लिसिटी बेस में लिखते हैं एल ओके और मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आपको कहाँ से पता चलती है जब आप एस की वैल्यू निकालते हैं तो आपको पता है ना मल्टीप्लिसिटी किसके इक्वल होती है मल्टीप्लिसिटी आप तो आपको टर्म सिंबल देखने को मिल जाएगा कि आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है और इसी की तो फर्दर स्प्लिटिंग होगी तो देखो मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू फॉर्मुला होता है टू एस प्लस वन यहाँ पर जैसे आप एस की वैल्यू रख दीजिए तो टू इंटू कितनी हुई हाफ प्लस कितना हुआ वन तो अगर आप इसे कट करेंगे तो आपको मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी मिली टू यानी कि मल्टीप्लिसिटी क्या पुट कर देना है टू ओके okay? और एल की प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे अब L की प्लेस पर आपको पता है हम वैल्यू पुट नहीं करते L के लिए हमारे टर्म्स होते होते हैं होते हैं सिंबल कैसे देखो होता यह है कि एल की वैल्यू आपकी अलग अलग टाइप की हो सकती है एल मे बी जीरो एल मे बी वन एल मे बी टू एल मे बी थ्री एल मे बी फोर ओके कुछ भी एल हो सकती है और हमको पता है जब एल की वैल्यू जीरो होती है तो हम इसे कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं वन होती है तो कैपिटल 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 से 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 होती 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 है है तो है है तो F से 4 होती है, तो तो so चलता रहता ठीक तो रिप्रेजेंट तो करेंगे, L को करेंगे D. कि हम यहाँ पर एल ना लिख के यहाँ पर ना टू लिखेंगे ना एल लिखेंगे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे D. कि हमारी टर्म सिंबल हम कैसे 2D करके, तो हमने निकाल दिया टर्म सिंबल गे? अब हम दिखाएंगे हमारी कपलिंग अब हम बोलेंगे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन ने अपनी एस की वैल्यू जनरेट की यानी कि इसके पास अपना स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी है इसके पास अपना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी है यानी कि इसके पास अपनी एस की वैल्यू है इसके पास अपनी एल की वैल्यू है और ये जब आपस में कपल कर गई कपल करना मतलब कॉम्बिनेशन ठीक है कपल करना मतलब एडिशन नहीं कपल करना मतलब कॉम्बिनेशन करना और कॉम्बिनेशन कैसे होगा एल और एस आपस में प्लस भी होंगे एल और एस माइनस आपस में क्या होंगे सब भी होंगे तो यहां पे जो आपको वैल्यू मिलेगी उसी वैल्यू को आप बोलते हैं कपलिंग और उसी कपलिंग की वजह से जो आपका टर्म सिंबल है ये नए नए एनर्जी टर्म्स में फर्दर स्प्लिट करेगा ठीक है तो आपने कुछ नहीं कराना है इन दोनों का कॉम्बिनेशन कराना है और कॉम्बिनेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जे से तो देखो जे के लिए फॉर्मूला क्या है जैसे मैंने अभी आपको बताया जे को आप रिप्रेजेंट करते हैं जे एल प्लस एस से डॉट 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 एल माइनस एस यानी कि आप एल प्लस एस से कहा की ओर जाने वाले हैं एल माइनस एस की ओर वन वन, वन माइनस करते रहना है ठीक है तो देखो पहले आप जे की वैल्यू क्या लिखेंगे एल प्लस एस ठीक है एल की वैल्यू है टू s की वैल्यू है हाफ तो two plus half किसके इक्वल हुआ five by two तो आपने l plus half s की वैल्यू कितनी निकाली five by two ओके डॉट 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 l minus s l minus s की वैल्यू कितनी है यानी कि two minus half two minus half इक्वल to three by two यानी कि आपको l plus s की वैल्यू कितनी मिली five by two l minus s की वैल्यू मिली three by two अब मैंने क्या बोला आपको l plus s से l minus S की जाना है कैसे जाना है one minus करके। अगर मैं में से one minus कर दूंगी तो मुझे एंगुलर मोमेंटम है, 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 है. तो है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो दो टाइप से आपस में कपल कर रहा है मतलब दो टाइप की कपलिंग हो रही है और दो टाइप की कपलिंग की वजह से मुझे जो जे की वैल्यू यानी कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मिल रही है एक बार मिल रही है 5/2 एक बार मिल रही है 3/2 इसका मतलब जो मेरी ये टर्म सिंबल है ये दो एनर्जी टर्म्स में फर्दर स्प्लिट करेगी कौन-कौन सी 5/2 और 3/2 तो देखो मैंने क्या लिखा मेरा जो टर्म सिंबल है कौन सा 2D ये फर्दर स्प्लिट कर गया स्प्लिट कर गया किसकी वजह से क्योंकि यहां पर स्पिन और स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बीच में क्या हुई कपलिंग हुई कॉम्बिनेशन हुआ कॉम्बिनेशन की वजह से दो टाइप के एनर्जी टर्म मुझे फर्दर मिले फर्दर स्प्लिटिंग की वजह से कौन कौन से फाइव बाई टू वाले एक थ्री बाई टू तो फाइव बाई टू को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी टू डी अपॉन फाइव बाई टू क्योंकि आपको है

कि जो आपका दो टू डी जो टर्म सिंबल था ये फर्दर स्प्लिट कर गया किसमें में टू डी फाइव बाई टू और टू डी थ्री बाय टू लेवल पे। इतनी चीज क्लियर आई और किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मतलब आपके जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आपस में इंटरेक्ट किया और उनसे इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पर फर्दर स्प्लिटिंग हो गया दो एनर्जी लेवल्स आपको फर्दर मिले इतनी चीज क्लियर है समझे तो यही चीज यहाँ पर हमने बतानी थी समझे ना एनर्जी लेवल हमारे कैसे स्प्लिट हुए यही चीज हमने यहाँ पर को बतानी थी इतनी चीज क्लियर आई अब होता क्या है अब हम लोग पर्टिकुलरली बात करता है ये समझे ना इतना समझ गए ना ठीक है इतना समझे यही चीज मुझे आपको बतानी थी कि कैसे आपका टर्म सिंबल का क्या फर्दर हुई फर्दर स्प्लिटिंग हुई किसकी से कपलिंग कौ, कौ, की वजह से जब आपका स्पिन ऑर्बिट कपलिंग और ऑर्बिटल एंगुलर कपलिंग आपस में कपल कर गए सॉरी मोमेंटम जब आपस में कपल कर दे तो आपस में कपल कर गए मतलब आपस में कंबाइंड हुए कॉम्बिनेशन हुआ इसी कॉम्बिनेशन की वजह से आपको फर्दर स्प्लिटिंग देखने को को मिली कुछ इस टाइप की इतनी चीज क्लियर आई अब हम लोगों क्या बात करनी है? हमने स्पिन ऑर्बिट कपलिंग पे बात कर ली अब हम पढ़ते हैं इसका इफेक्ट इफेक्ट ऑफ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या है ठीक है तो इफेक्ट ऑफ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को मैं कुछ इस टाइप एक्सप्लेन करती हूँ आप जस्ट यहाँ पर देखिए ठीक है ठीक अब इफेक्ट ऑफ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग आपको क्या बताती है ठीक है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के क्या इफेक्ट है तो उस मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो आप जस्ट यहां पे देखो ठीक है अभी हमने क्या बोला कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो कर रहा है, देखने को मिल रहा है, अब मेन चीज ये हो जाती है कि आपको पता है एनर्जी टर्म तो हमको मिल गए अब होता क्या की आपने जैसे कोरिलेशन डायग्राम वगैरह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ठीक है थीके? अब आप कोई भी कोरिलेशन डायग्राम बनाते हैं तो आपको पता है उन पर ये वाला जो कॉर्डिनेट होता है इस

पर अपने एनर्जी टर्म को अरेंज करना है अगर आप एक प्रॉपर एन एनर्जी के बेसिस पे इन एनर्जी टर्म्स को अरेंज नहीं करेंगे तो आपका कोरिलेशन डायग्राम बिल्कुल सही नहीं होगा मतलब कोरिलेशन डायग्राम गलत कंसिडर किया जाएगा ओके तो सही सही कोऑर्डिनेशन डायग्राम को बनाने के लिए हमको क्या करना होता है इन एन एनर्जी टर्म्स को इनकी एनर्जी के बेसिस पे अरेंज करना होता है तो अब मेन चीज ये आ जाती है कि अगर मुझे इनको एनर्जी के बेसिस पे अरेंज करना है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इन दोनों एनर्जी टर्म में से किसके लिए मेरे को एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी और किसके लिए एनर्जी की वैल्यू कम होगी क्योंकि जिसकी कम होगी उसे मैं नीचे प्लेस करूंगा

यहाँ पर मैंने देखो आपको यहाँ पर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा यानी कि थ्योरी लिखा है ये आपके एग्जाम के लिए हो जाएंगे बट मैं आपको सिंपल वे में यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि यहां मैंने जितनी भी थ्योरी लिखी है इनको मैंने दो ये जो येलो लाइन से लिखा है ना इसको समराइज फॉर्म में लिखा मतलब इसी थ्योरी को यहाँ पर मैंने छोटे फॉर्म में येलो लाइन से लिखा हुआ है मैं आपको सिंपल सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ वो ये कि देखो आपका जो एनर्जी टर्म होता है ना इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो होता क्या है कि जनरली हम लोग एम और एल की वैल्यू से ये डिटेक्ट करते हैं एम और एल की वैल्यू से ये डिटेक्ट करते हैं कि कौन से टर्म की एनर्जी ज्यादा होगी कौन से टर्म की एनर्जी कम होगी कैसे होता यह है कि जिन टर्म के लिए एम और एल की वैल्यू ज्यादा होती है उस टर्म की एनर्जी क्या होती है कम होती है और जिन टर्म के लिए एम और एल की वैल्यू क्या होती है कम होती है उनके लिए एनर्जी क्या होती है ज्यादा होती है तो देखो मैंने यहाँ पर ये चीज लिखी है द टर्म विद द हायर वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी कि ऐसी टर्म जिसके लिए एम की वैल्यू ज्यादा हो और लार्जर वैल्यू ऑफ एन जिसके लिए एल की वैल्यू भी ज्यादा हो यानी कि आपको पता है एल इज इक्वल टू जीरो फोर फाइव कुछ भी चलते रहता है अगर जीरो होगी तो एस पी डी डी एफ हम लोग ऐसा कराते रहते हैं यानी कि हाइयर वैल्यू ऑफ l मतलब F होगा फिर D होगा फिर P होगा फिर S होगा ये चीज समझ में आती तो ऐसा बोला जाता है कि जिस टर्म के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू और L की वैल्यू ज्यादा होती है उसको हम एज अ ग्राउंड स्टेट टर्म कंसीडर करते हैं यानी कि उसके लिए एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी जिसके लिए मल्टीप्लिसिटी uh, की वैल्यू और एल की वैल्यू कम होगी ठीक है क्योंकि आपकी जो मल्टीप्लिसिटी है और आपकी जो एल की वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के जिसके लिए एम की वैल्यू और एल की वैल्यू ज्यादा वो हमारी उसके लिए एनर्जी कम होगी और वो एज अ ग्राउंड स्टेट टर्म बिहेव करेगी ओके okay? बट हुआ क्या कि जनरली हमको ये चीज देखने को मिलता है कि हमारे जो एनर्जी टर्म्स होते हैं ना उनके लिए एल की वैल्यू और एम की वैल्यू सेम होती है कैसे आप जिस यहाँ पर देखिए हमने क्या है D1 कॉन्फ्रिगेशन की रिस्पेक्ट में बात की और D1 कॉन्फ्रिगेशन की रिस्पेक्ट में बात करके हमने दो एनर्जी टर्म निकाले अब आप देखो इन दोनों एनर्जी टर्म में स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू यानी कि एम की वैल्यू दोनों के लिए कॉमन है देखो ऊपर वाले टर्म के लिए यानी कि ये जो पहला टर्म है इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है टू और दूसरे वाले टर्म के लिए भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है टू इसी चीज क्लियर है यानी कि दोनों के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू सेम है तो हम ये कंसिडर नहीं कर सकते किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी वैल्यू कम है ओके

उन एनर्जी टर्म में से हायर एनर्जी टर्म वाला सिंबल कौन सा है मतलब हायर एनर्जी टर्म कौन है लोअर एनर्जी टर्म कौन सा है तो यहां पर लिखा है ये देखो कैसे पता चलेगा आपको ये चीज समझ में आए ना कि थोड़ा सा लैपटॉप हैंग कर रहा है बट आपको समझ में आ रहा है ना हम लोग क्या है जनरली दो फैक्टर कि और बट जनरली क्या देखा जाता है एम और एल की वैल्यू मोस्ट ऑफ द एनर्जी टर्म्स के लिए सेम होती है तो अगर वैल्यू सेम है तो फिर हम किसके पास जाए कौन सा फैक्टर का यूज करें तो अब जो फैक्टर हम यूज करेंगे वो है जे यानी कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का फैक्टर ओके okay, अब होता क्या है जे की वैल्यू के थ्रू कैसे पता चलेगा कि कौन से टर्म को हम ग्राउंड स्टेट

जिस टर्म के लिए जे की वैल्यू कम होगी उस टर्म को क्या बोलेंगे आप ग्राउंड स्टेट टर्म तो देख लीजिए यहाँ पर हमारे दोनों के लिए दोनों टर्म के लिए एम की वैल्यू कॉमन है एल की वैल्यू कॉमन है अब हम जाएंगे जे के पास तो देखो एक टर्म के लिए जे की वैल्यू है फाइव बाई टू एक के लिए है थ्री बाय टू हमने क्या बोला हाफ लेस देन हाफ फील्ड में जे की वैल्यू जितनी कम होगी वो हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म की तरह बिहेव करेगा यानी कि जे की वैल्यू कम तो एनर्जी की वैल्यू कम तो उसको हमने ग्राउंड स्टेट टर्म की तरह बिहेव करवाना है तो देखो फाइव बाई टू और थ्री बाय टू में से कौन कम हुआ थ्री बाई टू तो थ्री बाई टू के लिए मतलब जे की वैल्यू थ्री बाई टू में कम है फाइव बाई टू में ज्यादा है तो ये वाला जो टर्म है ये हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म की तरह बिहेव करेगा और ये वाला टर्म क्या है एक्साइटेड स्टेट की तरह बिहेव करेगा तो आपको समझ में है तो बस मेन चीज ये है कि हमने तो ये क्या किया स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से हमारी फर्दर स्प्लिटिंग होती है फर्दर स्प्लिटिंग की वजह से हमें नए नए एनर्जी टर्म मिलते हैं ये बात तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग ने करा दी थी बट इफेक्ट ऑफ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग में आपने ये चीज बताना है कि हमारे जो ये नए नए एनर्जी टर्म्स हैं उन एनर्जी टर्म में से कौन सा टर्म हमारा ग्राउंड स्टेट का है किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज्यादा है ये हमें कैसे पता चलेगा तो जनरली हम लोग क्या मल्टीप्लिसिटी और एल की वैल्यू से ये चीज करते हैं बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज देखा जाता है कि नए अगर यहाँ पर जो अलग अलग एनर्जी टर्म्स हैं उन एनर्जी टर्म्स के लिए क्या होता है एम की वैल्यू और एल की वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होती है कॉमन रहती है तो उस केस में हम कौन सा फैक्टर यूज करेंगे उस केस में हम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का फैक्टर यूज करेंगे कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग यानी कि जे की वैल्यू से हम ये डिसाइड करेंगे कि किस एनर्जी टर्म की वैल्यू कम होगी और किसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो उसको ले आपको क्या है? ये फैक्टर आपने माइंड पर रखना है कि अगर आपका जो डिशल है वो आपका हाफ फील्ड है या फिर लेस देन हाफ फील्ड है तो उस केस में जे की वैल्यू जितनी कम एनर्जी की वैल्यू उतनी कम और एनर्जी की वैल्यू जितनी कम वो एज अ ग्राउंड स्टेट की तरफ बिहेव करेगी लेकिन अगर आपका डी शेल आपका क्या है से है हाफ से ज्यादा ज्यादा तो उस केस में जितनी जे की वैल्यू उतनी ही कम आपकी एनर्जी ठीक है नहीं नहीं हाँ, जितनी ज्यादा आपके लिए जे की वैल्यू उतनी ही कम एनर्जी यानी कि इस केस में यानी कि पहले केस में हाफ फीड या फिर हाफ फीड से कम वाले केस में जे की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी की यानी कि जितनी ज्यादा जे की वैल्यू उतनी ज्यादा एनर्जी जितनी कम जे की वैल्यू उतनी कम एनर्जी लेकिन जब भी आप मोर देन हाफ फीड की बात करते हैं तो जे की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है एनर्जी की यानी कि जे की वैल्यू जितनी ज्यादा एनर्जी की वैल्यू उतनी ही कम इतनी चीज क्लियर आई अब एक एग्जांपल के थ्रू ये वाले फैक्टर को हम और एक्सप्लेन करते हैं तो देखो अब हम एक एग्जांपल से सारी चीजें डिस्कस करते हैं मतलब हमने अभी जिस लेक्चर में जितनी भी चीजें डिस्कस की उसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से पूरा सॉल्व आउट करेंगे यानी कि एफ पॉजिटिव आयन का मैं एग्जाम्पल ले ली मैं मेरे पास कोई भी ट्रांजिशन मेटर कॉम्प्लेक्स है उसमें लिग वगैरह मैंने आपको शो नहीं कराया क्योंकि उसका यहाँ पर कोई यूज नहीं है बट हमारे सेंट्रल मेटल आइटम यूजर जो है मेरा टू पॉजिटिव आयन, तो इस एफ पॉजिटिव आयन में मैं सारी चीजें दिखाऊंगी कि इस टू पॉजिटिव आयन में जो हैं, उनके बीच में स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हुई तो मेरी क्या वैल्यूज आई और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से क्या मेरे एनर्जी टर्म्स आए और लास्ट में जो इफेक्ट में हमने डिस्कस किया कि उन एनर्जी एनर्जी टर्म्स में से किस टर्म की एनर्जी ज्यादा है किसकी कम है वो सारी की सारी चीजें इस से हम लोग डिस्कस करेंगे तो सारी चीजें हम पॉइंट करेंगे अब ध्यान से तो देखो फर्स्टली आप क्या करेंगे सबसे पहले कॉन्फ्रेशन पे बात कर लें तो देखो सबसे पहले एफ पॉजिटिव आयन है आपका यहाँ पर एफ के साथ कोई भी लिगेंट आपके हो सकते हैं ठीक है हमने कोई एक्स लिगेंट यहाँ पर ले लिए और एफी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है प्लस टू ओके तो मैंने क्या बोला एफ़ का आपको पता है थ्री डी सिक्स फोर एस टू बट यहाँ पे जो हमारा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है इस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में जो मेरा सेंट्रल मेटल आइटम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस टू इट मीन इसने क्या है अपने ऊपर से दो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया हुआ है तो अगर दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो आउटर शेल से जाएंगे आउटर शेल है हमारा फोरेस्ट टू तो फोरेस्ट टू से मेरे दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तो मेरा कॉन्फ्रिगेशन क्या बन गया थ्री डी सिक्स यानी कि सिर्फ मेरे पास सिक्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मेरे डी शेल में ओके तो अब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगी तो क्या लिखूंगी ये मेरा शेल है अब इसे थ्री डी सिक्स ना लिख के सिर्फ डी सिक्स लेती हूँ कि डी सिक्स में मेरे मतलब डी सिक्स मतलब मेरे डी शेल में सिर्फ सिक्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ओके ये तो सिंपल सी बात है अब हमने क्या कराना है सबसे पहले हम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग दिखाएंगे क्योंकि उसी कपलिंग की वजह से हमें नए नए एनर्जी टर्म्स मिलते हैं ओके तो कपलिंग कैसे हुई तो देखो कपलिंग करने के लिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए स्पिन और ऑर्बिट की कपलिंग करा रहे हो तो मुझे स्पिन की वैल्यू चाहिए यानी कि एस की वैल्यू चाहिए और एल की वैल्यू चाहिए ठीक है दिके? तो फर्स्टली हम एस की वैल्यू निकालते हैं तो मैंने आपको क्या बोला एस की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं आपको कुछ नहीं करना है, एस की वैल्यू किसके इक्वल होगी आपके सिस्टम में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, उनके लिए आप स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालो यानी कि उनकी स्पिन वैल्यू निकालो जैसे मेरे पास सिक्स इलेक्ट्रॉन है तो मैं एस की पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वैल्यू निकालूंगी दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन तीसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन चौथे इलेक्ट्रॉन की स्पिन पांचवी इलेक्ट्रॉन की स्पिन और छठे इलेक्ट्रॉन की स्पिन स्पिन तो ये सिक्स इलेक्ट्रॉन के लिए जो की वैल्यू आएगी उनको अगर मैं कंबाइन कर दू तो मुझे कैपिटल एस की वैल्यू मिल जाएगी ये चीज क्लियर आई तो कैसे करेंगे तो देखो आपको मैं ये चीज आपको पता है ना कि हमारे पास दो टाइप की स्पिन होती है इलेक्ट्रॉन की दो स्पिन होती है एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक और हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि क्लॉकवाइज के लिए जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है प्लस आर और एंटी क्लॉकवाइज के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी माइनस हाँ, ओके? तो अब मुझे क्या करना है तो आप जा, जहां पर से मेरे है है, और उन सिक्स इलेक्ट्रॉन में से फाइव इलेक्ट्रॉन तो मेरे क्लॉक वाइज है एक इलेक्ट्रॉन मेरा एंटी क्लॉक वाइज है देखो एक क्लॉक वाइज ये दूसरा क्लॉक वाइज तीसरा क्लॉक वाइज चौथा और फाइव तो मेरे क्लॉक वाइज है एक मेरा एंटी क्लॉकवाइज है तो मुझे इनकी स्पिन को कंबाइन करना है तो देखो मेरे ये पांच इलेक्ट्रॉन क्या है क्लॉकवाइज है यानी कि इनकी वैल्यू कितनी है प्लस हाफ है इसकी वैल्यू कितनी है माइनस हाफ है तो मुझे इनको एड करना है तो मैं क्या करूंगी देखो मेरे पास फाइव इलेक्ट्रॉन है जिनकी वैल्यू कितनी है

फाइव बाई टू माइनस हो जाएगा मेरा प्लस माइनस 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 कितना हो जाएगा हाफ तो अगर मैं क्या करूं फाइव बाई टू में से हाफ को माइनस करूं तो मेरा कितना बन जाएगा फोर बाई टू बन जाएगा सिंपल सी बात है ना टू को आप कॉमन ले लीजिए ऊपर आ गया आपका फाइव यहाँ पर आपका आ गया वन तो ये कितना हो जाएगा फोर बाय टू फोर बाय टू इक्वल हो जाएगा अगर फोर बाई टू को मैं फर्दर कट करूंगी तो मेरे किसके इक्वल हो जाएगा टू के इक्वल तो देखो मेरे को एल की वैल्यू सॉरी एस की वैल्यू मिल गई ना स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू किसके मतलब एफ टू पॉजिटिव आयन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू मुझे क्या मिली टू ठीक है तो हमने क्या किया एस की वैल्यू निकाल दिया कितना आसान था अब एस की वैल्यू से हमें काम क्या करना होता है हमको पता है पहले हम टर्म सिंबल निकालते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम एल से ओके okay? और यहां पर एम मतलब होता है मल्टीप्लिसिटी तो पहले हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू भी निकाल देते हैं क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिस की वैल्यू से ही हमको क्या करना है आगे टर्म सिंबल निकालना है ठीक है तो देखो एस की वैल्यू से हम स्पिन मल्टीप्लिस का फॉर्मूला टू इंटू टू प्लस वन यानी कि यहां पर हमारी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी कि एम की वैल्यू आई वो हमारी कितनी आई फाइव तो मैंने यहां पर मल्टीप्लिसिटी भी निकाल दी फाइव ओके अब हमने क्या कराना है एस की कपलिंग करानी है एल के साथ तो एल की वैल्यू

आपका ये एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू है आपकी प्लस वन तो आपने लिखा वन इन टू कितनी वैल्यून ओके प्लस अगला इलेक्ट्रॉन आपका कहां पर प्रेजेंट है यहां पर आपका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके लिए वैल्यू है जीरो तो ओवरऑल जीरो हो गया तो इसको हम हमलेक्ट कर देते हैं अगला देखो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू आपकी कितनी है माइनस वन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू है माइनस वन अगले अगले में भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अगले ऑर्बिट में भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस टू तो इसकी वैल्यू कितनी है -2, तो आप, आप इनको करो 2 into plus 2 is equal to, कितना हुआ 4, plus, क्या हुआ प्लस प्लस क्या माइनस इसको हम माइनस कर देते हैं देखो ये हो गया नहीं ये तो आपका प्लस वन है ना सॉरी ये आपका प्लस वन है तो ये तो आपका तो तो प्लस वन है तो यहाँ पर क्या हुआ प्लस वन इंटू वन क्या हो गया वन उसके बाद क्या हुआ प्लस माइनस माइनस यानी कि वन और प्लस माइनस माइनस यानी कि तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा ये कितना हो जाएगा? 5, 5 -1, ये क्या हो जाएगा जाएगा ये क्या यानी यानी कि कि ओवरऑल पर L की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी यानी कि आपको एल की वैल्यू भी क्या मिली टू मिली और एस की वैल्यू भी आपको क्या मिली टू यानी कि आपको एस और एल की वैल्यू मिल गई ओके अब आपने क्या कराना है इनको कपल कराना है तो कपल करने के लिए पहले हम टर्म सिंबल निकालते हैं तो देखो हुआ क्या टर्म सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैंने बोला एम बेस में लिखते हैं एल और एल की वैल्यू नहीं लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं एल के लिए टर्म लिखते हैं कैसे तो देखो हमें पता है एल की वैल्यू अगर जीरो होगी तो हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से एल की वैल्यू अगर वन होगी तो रिप्रेजेंट करेंगे पी से अगर एल की वैल्यू हमारी टू होगी तो रिप्रेजेंट करेंगे डी से तो यहाँ पर एल की वैल्यू टू है तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे डी यानी कि डी यहाँ पर आएगा और पावर में हमारी मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू यानी कि फाइव तो हमारा टर्म सिंबल क्या हो गया फाइव डी तो मेरा टर्म सिंबल हो गया फाइव डी ओके अब ये फाइव डी टर्म सिंबल क्या होगा फर्दर स्प्लिट करेगा बिकॉज ऑफ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग यानी कि स्पिन की जो वैल्यू है ये ऑर्बिट की वैल्यू से कपल करेगी

एल प्लस एस से आपने एल माइनस एस तक जाना है कैसे एक एक नंबर को माइनस करते हुए यानी कि एल प्लस एस किया उसके बाद आप लिखेंगे एल प्लस एस माइनस वन उसके बाद लिखेंगे एल प्लस एस माइनस टू उसके बाद लिखेंगे एल प्लस एस माइनस थ्री तब तक लिखते रहेंगे जब तक आपको एल माइनस एस की वैल्यू नहीं मिल जाती ठीक है तो अब देखो यहाँ पर हम टर्म सिंबल निकाल टर्म सिंबल निकाला अब नए नए एनर्जी टर्म हमने निकालना है ठीक है तो देखो आपने क्या किया पहले पहले आपने स्टार्ट किया एल प्लस एस से और खत्म करना है आपने एल माइनस एस पर ठीक है तो स्टार्ट किया एल प्लस एस से वैल्यू टू थी एस की वैल्यू टू थी तो आपने इनको प्लस किया तो आपको मिला ओके की टू थी, S की वैल्यू वैल्यू थी थी इनको आपने माइनस किया तो मिला यानी कि अब आपने 4 से 0 की ओर जाना है वन वन नंबर को माइनस करते हुए तो आप जाएंगे तो क्या मिलेगा देखो एक बार फोर मिला है फोर में से एक माइनस करेंगे थ्री थ्री में से एक माइनस करेंगे टू टू में से एक माइनस करेंगे वन और वन में से एक माइनस करेंगे तो जीरो तो आपको कितने यहाँ पर टर्म्स मिले आपको मिला फोर थ्री टू वन जीरो अगर आप एल प्लस एस से एक को माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा थ्री बनेगा उसके बाद था आपका एल प्लस एस माइनस टू एल प्लस एस से अगर आप दो को माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा टू मिलेगा फिर था आपका एल प्लस एस माइनस कितना था आ, थ्री तो अगर आप एल प्लस एस यानी कि फोर में से थ्री को माइनस करेंगे तो वन मिलेगा उसके बाद एल प्लस एस माइनस कितना हुआ फोर यानी कि टू प्लस टू में से ये था टू ये था आपका टू टू माइनस टू में से फोर को माइनस करेंगे तो जीरो और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी इसके तो ये वैल्यू ये इसके इक्वल है तो हमारे पास कितनी जे की वैल्यू है ये हमने जे की वैल्यू निकाली तो जे की वैल्यू हमारी कितनी आई फोर थ्री टू वन जीरो यानी कि हमारे टर्म सिंबल था फाइव डी और फाइव डी के नीचे जो हमने जे की वैल्यू लिखनी है जे की वैल्यू हमारी किसके इक्वल आई फोर थ्री टू वन जीरो यानी कि हमारे जो स्प्लिटिंग हुई उस स्प्लिटिंग के बाद कितने नए टर्म मिले देखो आप यहाँ पर देखो कितने नए नए टर्म्स हमको देखने को मिले एक मिनट रुकेगा ये देखो हमें कितने नए नए टर्म सिंबल देखने को मिले देखो 5d4 हमने j की वैल्यू पुट कर दी ना यहाँ पर पहले 5d था 5d था 5d था 5d था 5d था हमने यहाँ पर कितने नए नए टर्म मिले हमको फोर थ्री टू वन जीरो सारे के सारे हमें फर्दर स्प्लिटिंग के बाद नए एनर्जी टर्म मिले हैं इतनी चीज क्लियर आई हमने ये क्या किया कपलिंग करा के दिखाया कि हमारा जो यहाँ पर दिखाती है देखो हमारा जो फाइव डी टर्म सिंबल था ये फर्दर किस में स्प्लीट कर दिया फाइव डी फोर में फाइव डी थ्री में सॉरी थ्री में फाइव डी टू में फाइव डी वन में और फाइव डी जीरो में यानी कि ये स्प्लिटिंग हुई किसकी वजह से हुई स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से हमारे जो ये 5d डी टर्म था ये फर्दर नए एनर्जी टर्म पर स्प्लिट कर गया ठीक है अब हमारा मेन चीज हो जाता है ये तो हमने स्पिन ऑर्बिट कपलिंग में डिस्कस कर दिया ओके अब हमारा मेन चीज हो जाता है कि इन एनर्जी टर्म से कौन सा टर्म हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म है ये प्रिडिक्ट करना क्योंकि कोरिलेशन डायग्राम में हमने इन्हीं टर्म को यहाँ एनर्जी के बेसिस पे अरेंज करना है ये फाइव टर्म है वन टू थ्री फोर फाइव तो ये वैल्यूज इनकी कहाँ कहाँ होगी क्योंकि जितना ऊपर को आप जाएंगे उतनी एनर्जी आपकी बढ़ती है तो आपको ग्राउंड स्टेट टर्म यहाँ पर को प्रिडिक्ट करनी है तो उसके लिए हमने क्या यूज करना है वही फैक्टर जो हमने आगे डिस्कस किए थे तो फैक्टर आपको क्या बोलता है ये बोलता है कि आपको देखना है स्पिन मल्टीप्लिसिटी और एल की वैल्यू और आप यहाँ पे देख सकते हैं इन चारो इन पांचों टर्म सिंबल्स में से सबकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू फाइव है और सबका एल का वैल्यू क्या है डी है यानी कि थ्री है ओके इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी और एल के बेसिस पर ये चेक नहीं कर सकते कि, कि किस टर्म के लिए एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है किसके लिए कम है ओके और मोस्ट ऑफ द टाइम ये फैक्टर यहाँ पर को आता है इसलिए हमको किसकी वैल्यू यूज करनी होती है जे जे के बेसिस पर हम ये प्रिडिक कर सकते हैं कि, कि किसकी एनर्जी की वैल्यू ज्यादा और किसकी कम है ओके तो कैसे प्रिडिक्ट करेंगे दो लाइन हमने पढ़ी हुई थी होता क्या है दो लाइन में क्या है हमारी दो लाइन क्या थी पहली लाइन हमारी ये थी कि अगर हमारा जो शेल है वो हमारा हाफ फील्ड है या फिर हाफ फील्ड से भी कम है तो उस केस में जे की वैल्यू जितनी कम ग्राउंड स्टेट की वैल्यू उतनी ही कम ओके okay? और लेकिन अगर आप ये वाला एग्जाम्पल देखेंगे एफ ई वाला एग्जाम्पल देखेंगे तो ये एफ ई टू पॉजिटिव है यहाँ पर आपके पास सिक्स इलेक्ट्रॉन है सिक्स इलेक्ट्रॉन मतलब हाफ फीट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो होगा क्या यहाँ पर हम लोग दूसरा फैक्टर यूज कराएंगे कि अगर हमारे पास जो शेल है वो हमारे हाफ फीट से ज्यादा है उस केस में हमको क्या देखने को मिलेगा कि जितनी ज्यादा जे की वैल्यू होगी वो ही हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म होगा यानी कि आपने यहाँ पर देखना है कि जिसके लिए जे की वैल्यू ज्यादा है वो हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म होगा क्यों क्योंकि यहाँ पे जो हमारा हमने जो मेटल आयन लिया है वो एफ पॉजिटिव आयन है और आपको पता है एफई पॉजिटिव आयन क्या है हाफ फीट से ज्यादा होता है तो मैंने यहाँ पर लिखा है

उस केस में जिसके लिए जे की वैल्यू ज्यादा होती है उसके लिए हमारी एनर्जी की वैल्यू कम होती है तो आप यहाँ देख लीजिए इन सारे टर्म में से जे की वैल्यू इसके पास है तो हमने क्या बोला जितनी ज्यादा जे की वैल्यू उतनी कम एनर्जी तो सबसे कम एनर्जी किसके पास है हम कम नहीं सबसे ज्यादा को हम देखते हैं सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है अगर आप एनर्जी के बेसिस पे बताए सबसे ज्यादा एनर्जी इसके पास देन इसके पास देन इसके पास देन इसके पास यानी कि सबसे मिनिमम एनर्जी 5d4 की है और यहाँ पे 5d4 हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म की तरह बिहेव करेगा तो सबसे नीचे क्या रखूंगी मैं फाइव डी फोर देन इसके बाद रखूंगी फाइव डी थ्री इसके बाद रखूंगी फाइव डी टू उसके बाद रखूंगी फाइव डी वन और उसके बाद लास्ट में रखूंगी फाइव डी जीरो हम जितने ऊपर जा रहे हैं उतनी हमारी एनर्जी ज्यादा है और इसकी एनर्जी हमारी मैक्सिमम है और इस टर्म की एनर्जी हमारी क्या है मिनिमम है तो ये चीज हमें प्रिडिक्ट करना जरूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पर हम आगे कोरिलेशन डायग्राम बनाते हैं तो ये चीज पढ़ चल इन सारे में से सबसे कम एनर्जी इसकी और सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी इतनी चीज क्लियर आई तो यही चीज हम लास्ट मैं यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर देंगे ठीक है इतना आया तो होप आपको समझ में आया होगा हमारा लेक्चर आज इसी टॉपिक पर था हमने स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को डिस्कस किया क्या है कॉन्सेप्ट बेसिक क्या है वो मैंने आपको बताया उसके बाद हमने इफेक्ट ऑफ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग देखो मैं आपको डायरेक्टली स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की इफेक्ट एक्सप्लेन कर सकती थी कि हाँ जे की वैल्यू से हमको ये चीज पता चलती है बट वो मतलब नहीं रह जाता मतलब अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलती तो आप ये बोलते कि जे की वैल्यू कैसे आई कॉम्बिनेशन हम क्यों करा रहे बहुत सारी चीजें हो सकती है कि मे बी आपके माइंड पर आती इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को डिस्कस करा दिया कोई लॉस नहीं है आपको जस्ट रिविजन ही हुआ होगा कोई ज्यादा कुछ नुकसान तो नहीं हुआ रिविजन ही हुआ होगा तो बेबी बहुत सारी चीजें नई भी मेबी भी सीखने को मिली होंगी तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अभी हम लेक्चर को फिनिश करेंगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय बाय